नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख है 3 मार्च 2021 और कल की आपकी 2 मार्च 2021 की करंट अफेयर्स आपके सामने है। तो दोस्तों सभी लोग से पहल है कि सभी लोग रोज की तरह क्लास को शेयर कर देंगे और सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स में जल्दी जल्दी दिए जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आपका कम से कम समय व्यतीत हो और आगे आने वाले जो आपके कॉम्पिटिशन लेवल के जो एग्जाम्स हैं, जैसे ग्रुप डी के एग्जाम्स और आरआरबी के जो बचे हुए एग्जाम्स हैं, उनमें आपकी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो दोस्तों सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे और सभी लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस हैं हम उसी को पढ़ेंगे। हाल ही में किसने पीआईबी, जिसको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं, के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, शून्य भेदभाव दिवस हर साल कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला कौन सा दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों कोवैक्स एक पहल है जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने चलाई थी। हाल ही में किसने ईएनसी, जिसको ईस्टर्न नेवल कमांड भी कहते हैं, प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निकाय यानी यूनाइटेड नेशन की कोई एक बॉडी है जिसने एलडीसी यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी जो अल्प विकसित देश हैं उनकी सूची में से किस देश के स्नातक होने की सिफारिश की है, यानी कि उस देश को एलडीसी से बाहर करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा जी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में किस देश को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको LPAI भी कहते हैं, ने मनाया अपना नवा स्थापना दिवस। ध्यान रखिए दोस्तों, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 2012 में किया गया था और ये इन्होंने अपना लगातार नवा स्थापना दिवस अभी मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिक एम लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये है आज के आपके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन ये है, तो सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, और आप लोग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार क्या किया है संभाला है। तो दोस्तों अगर पीआईबी की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं, यानी कि पीआईबी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जयदीप भटनागर को अभी हाल ही में क्या किया गया है, जयदीप भटनागर को पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का दोस्तों क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अगर दोस्तों हम लोग भटनागर जी की बात करें तो भटनागर जी अभी हाल ही में पीआईबी के अध्यक्ष बने हैं, पीआईबी के नए महानिदेशक बने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भटनागर जो जयदीप भटनागर है, ये पीआईबी में पिछले छह वर्षों से ये पीआईबी में अलग अलग पदों पर भी कार्यरत रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पिछले 6 सालों से पीआईबी के संबंध में रहे हैं और अभी हाल ही में इनको पीआईबी का दोस्तों क्या बनाया गया है, पीआईबी का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों अगर इनकी बात करेंगे हम लोग आपके भटनागर जी की, तो ध्यान रखिएगा जो जयदीप भटनागर है, ये इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आप AIR कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के जो सेवा प्रदाता है, वो सेवा विभाग के भी सेवा प्रभाग के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया रेडियो, जिसको AIR कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। तो दोस्तों ये लगातार हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहे, जैसे ये ऑल इंडिया रेडियो में रहे और अभी तक 6 वर्षों से ये पीआईबी के लिए काम भी कर रहे थे और अब ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक बने, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपके क्या, जयदीप भटनागर जी, ठीक है। अभी हाल ही में जो पीआईबी के अध्यक्ष थे, तो ध्यान रखिएगा, कुलदीप सिंह जो धतवालिया है, इनको पद से मुक्त किया गया है। तो ये पद से मुक्त हुए हैं और इनके स्थान पर दोस्तों कौन आए हैं, आपके भटनागर जी आए। तो अभी हाल ही में जो आपके कुलदीप सिंह धतवालिया है, ये पद से हटे हैं और महानिदेशक के पद से और पीआईबी के नए महानिदेशक जयदीप भटनागर जी बने, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को ही इन्होंने परसों ही अपना कार्यकाल पूरा किया है, अपना पद छोड़ा है और आपके भटनागर जी 1 तारीख को नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? तो दोस्तों अगर हम लोग योग की बात करें तो भारत में योग का गढ़ क्या है? पतंजलि है कि नहीं है? और उसके बाद ध्यान रखिए, भारत में योग मिनी पतंजलि बोलते हैं उत्तराखंड में ऋषिकेश को, तो ऋषिकेश को मिनी पतंजलि भी कहा जाता है, ऋषिकेश को योगा का गढ़ भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में, उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में दोस्तों एक मंदिर है, एक मंदिर बना हुआ है जो कि एक अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है, उसका नाम है योगा इंटरनेशनल, योगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, योगा इंटरनेशनल फेस्टिवल्स जो टेंपल बना है, ये आपका योगा इंटरनेशनल जो एक संस्था है, योगा इंटरनेशनल वालों ने एक मंदिर बना रखा है आपका ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पे। आपने कभी देखा भी होगा ऋषिकेश में ऐसा, उनके जो ऋषिकेश के बारे में जो स्कूप्स दिखाए जाते हैं तो उनमें आपने देखा होगा ऋषिकेश में कहीं पर गंगा जी के बीच में एक शंकर भगवान की मूर्ति लगी है। दोस्तों ये मूर्ति इसी मंदिर के सामने लगी हुई है, योगा इंटरनेशनल मंदिर के सामने। तो योगा इंटरनेशनल टेम्पल में इस बार क्या किया गया है? इस बार आपका योगा इंटरनेशनल जो मनाया जा रहा है, तो ये ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड का राज्य है, यहां पर दोस्तों योगा इंटरनेशनल फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है वो आपके इस टेम्पल में मनाया गया। दोस्तों अगर इसकी बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पिछले 12 वर्षों से लगातार ये योगा इंटरनेशनल वाले क्या कर रहे हैं, योगा इंटरनेशनल जो अथॉरिटी है, ये लोग पिछले 12 वर्षों से केवल एक ही टेम्पल में, इसी टेम्पल में ये लोग क्या करते हैं, इस फेस्टिवल को मनाते हैं। दोस्तों अगर यहाँ की बात करें कि इसके उद्घाटन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा आपके उत्तराखंड के जो कृषि मंत्री हैं, उत्तराखंड के कृषि मंत्री जो हैं उनियाल जी, उनियाल जी ने इसका क्या किया, सुबोध उनियाल, सुबोध उनियाल ने इसका उद्घाटन किया। तो उत्तराखंड के जो कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल, और दोस्तों पतंजलि की बात करें क्योंकि योगा इंटरनेशनल फेस्टिवल है, तो सुबोध उनियाल के साथ साथ जो आपके बालकृष्ण जी हैं, आचार्य बालकृष्ण जो कि आपके पतंजलि के अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण पतंजलि के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण भी इस उद्घाटन में शामिल थे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आचार्य बालकृष्ण और सुबोध उनियाल ने हाल ही में मिलकर, और इनके साथ अभी एक और आपके अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जिसके अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी हैं, इन्होंने मिलकर तीनों लोगों ने उद्घाटन किया है। तो ये नरेंद्र गिरी, बालकृष्ण और दोस्तों क्या सुबोध उनियाल, इन तीनों लोगों ने इस योगा इंटरनेशनल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। जो नरेंद्र गिरी जी हैं, ध्यान रखिएगा, ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। ध्यान रखिए दोस्तों, इस तरीके से योगा इंटरनेशनल फेस्टिवल अभी क्या किया गया है, शुरू किया गया है, जो कि योगा इंटरनेशनल मंदिर में, ऋषिकेश में, गंगा नदी के तट पर, उत्तराखंड में राज्य में शुरू किया गया। दोस्तों ये जो योगा इंटरनेशनल फेस्टिवल जो स्टार्ट किया गया है, इसको जो आयोजित करने के लिए जो अथॉरिटीज है उसमें आपका उत्तराखंड की जो टूरिज्म अथॉरिटी है, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट जो आपके बोर्ड है, इसी को इसको आयोजित करेंगे। तो आपके उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यही बोर्ड दोस्तों इस योगा फेस्टिवल को क्या कर रहा है, इस फेस्टिवल को आयोजित करवा रहा है, कहां पर, योगा इंटरनेशनल मंदिर में। ठीक है, क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे, शून्य भेदभाव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी मानवों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को सभी प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। इस आधार पर दोस्तों सबसे पहले 1 मार्च 2014 को ये डिक्लेयर किया गया था कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाएगा 1 मार्च के दिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आपका जो इसको घोषणा की गई थी, ये यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स, तो UNAIDS, ये एक प्रोग्राम संस्था के रूप में काम करते हैं जो कि HIV के रोगियों के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका बना था, ये यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स जो था, ये 1994 में बना था, और आपका 1 मार्च 2014 को आपका UNAIDS ने ही इसको क्या किया था, इसको शुरू किया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 2014 एक मार्च से ये शुरू हुआ है, और इसको किसने शुरू किया है, इसको UNAIDS द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, UNAIDS की बात करेंगे तो इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, इसका गठन यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स जो था 1994 में बना था, कहां बना था दोस्तों, 1994 में, और दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बना हुआ है,
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, अगर यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स की बात करें तो विश्व भर में जो एड्स से ग्रसित जो मरीज हैं उनके भले के लिए और उनको दुनिया में इस प्रकार के भेदभाव से बचाने के लिए वो लोग इसके लिए काम करते हैं। दोस्तों, जो 1 मार्च 2021 को जो आपका डिक्लेयर किया गया है, तो हर साल आपने देखा होगा जो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं उसके थीम मनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस बार का जो थीम है, इस बार का थीम है एंड इनइक्वालिटीज। इस बार का थीम बनाया गया है एंड इनइक्वालिटीज, इस बार का थीम है 2021 का 1 मार्च का। और प्रतीक चिन्ह के रूप में दोस्तों रखा गया है तितली। जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया है वो क्या है, वो तितली है। प्रतीक चिन्ह जो है वो तितली है। तो इस तरीके से दोस्तों 1 मार्च 2021 को थीम एंड इनइक्वालिटीज के साथ, प्रतीक चिन्ह तितली के साथ, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स की पहल पर 1 मार्च को क्या बनाया गया है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कोवैक्स वैक्सीन की जो पहल है प्राप्त करने वाला दुनिया का कौन सा पहला देश बना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, दुनिया का पहला देश बन गया है घाना। घाना को अभी हाल ही में 6 लाख, घाना को 6 लाख जो डोज दी गई है वो इसी पहल के तहत दी गई है। दोस्तों कोवैक्स की एक पहल है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कोवैक्स एक पहल के रूप में है और कोवैक्स की जो पहल है इस पहल को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहल माना जा रहा है। ये जो पहल है दोस्तों, इस पहल के तहत हमारा भारत, हमारे भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा बायोमेडिकल क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साथ दोस्तों एस्ट्राजेनिका, जिन लोगों ने, आपको मैं बताऊं, जिन लोगों ने कोविशील्ड बनाई है, आप लोगों ने ये पहले पढ़ा भी था, एक कोविशील्ड और एक है हमारी क्या, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन हमारी भारत बायोटेक की है, वो स्वदेशी है, लेकिन जो दोस्तों कोविशील्ड बनी थी वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है और इन्होंने उसको स्पॉन्सर करवाया है, एस्ट्राजेनिका। तो एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जो आपकी वैक्सीन बनाई है, उन वैक्सीन की जो पहली खेप 6 लाख डोज जो वैक्सीन की है वो कहां भेजी है दोस्तों, वो घाना के लिए भेजी गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो पहल है जिसको कोवैक्स पहल कह रहे हैं, ये दुनिया के 92 ऐसे कंट्रीज के लिए है जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने हिसाब से अपने देश में ऐसी वैक्सीन या ऐसी एंटीवायरल वैक्सीन को बना सके। तो इसके लिए वहां पर क्या किया गया है, इसके लिए उन 92 देशों में 92 कंट्रीज जो है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कि मेडिसिन बनाने में सक्षम ही नहीं है, उनके पास रिसर्च सेंटर्स या मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं है, तो उन ऐसे 92 कंट्रीज को इसमें क्या किया गया था शामिल, जिनमें से दोस्तों पहला देश बनाया कौन सा, पहला देश बनाया घाना, जिसको 6 लाख वैक्सीन की डोज प्रदान की गई है और वो कोवैक्स पहल के तहत, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहल है, इस पहल के तहत दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पर इनको इस प्रकार की वैक्सीन दी गई है। दोस्तों अगर घाना की बात करें, अगर हम घाना की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, घाना की जो करेंसी है वो सीधी है। घाना की जो करेंसी क्या है वो सीधी है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। घाना की जो करेंसी है वो सीधी है और घाना की जो राजधानी है दोस्तों वो है अकरा। अंकारा मत करिएगा कहीं भी, अकरा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है दोस्तों कोवैक्स पहल, जिसके तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई 6 लाख वैक्सीन पहले पहल में किसको भेजी गई, घाना को भेजी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, हाल ही में किसने ईएनसी प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों अगर ईएनसी प्रमुख की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ईस्टर्न नेवल कमांड के कोई नए चीफ बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईएनसी का मतलब क्या होता है, ईस्टर्न नेवल कमांड, जो कि आपके विशाखापट्टनम में है। हमारी नेवी की जो ईस्टर्न नेवल कमांड है दोस्तों, ये विशाखापट्टनम में है और ये 1968 में बनी थी। नेवल कमांड 1968 में से गठन हुआ था और दोस्तों ये विशाखापट्टनम, जहां जिसको आप विजाग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम की जो स्टील इंडस्ट्री है जिसका नाम विजाग भी है, तो ध्यान रखिएगा, उसको RINL भी कहते हैं, आपके राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विशाखापट्टनम विजाग को ही इसका मेन मुख्यालय बनाया गया। दोस्तों आपको मैं बता दूं, विशाखापट्टनम भारत के सबसे गहरे बंदरगाहों में आता है और इंडिया की जो सबमरीन सेंटर्स हैं वो भी कहां पर है, विशाखापट्टनम में।
तो इसी ईस्टर्न नेवल कमांड के जो अभी नए चीफ बने हैं दोस्तों, वो अर्जेंद्र बहादुर सिंह बने हैं। ध्यान रखिएगा, वाइस एडमिरल के पद पर रहने वाले आपके अर्जेंद्र बहादुर सिंह जी वाइस एडमिरल के पद पर नियुक्त है, तो ये इनकी रैंक है। और वाइस एडमिरल अर्जेंद्र बहादुर सिंह अभी हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के क्या बने हैं, चीफ बने हैं। दोस्तों अगर इनके बारे में हम लोग बात करें कि अभी जो उनकी जगह पे जो थे अभी तक जो काम कर रहे थे, तो वो आपके जो थे वो थे दोस्तों वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, जो कि यहाँ पर आपके सेकेंड नंबर पर दिए। इनका अभी पद त्याग हुआ है, मतलब इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद आपके वाइस एडमिरल अर्जेंद्र बहादुर सिंह जी ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ बने हैं, जो कि विशाखापट्टनम मुख्यालय से संबंधित है। दोस्तों इसके बाद अगर बात करेंगे अजेंद्र कुमार जी की, तो अजेंद्र बहादुर सिंह जो है ये वाइस एडमिरल है, और 2011 में विशिष्ट सेवा मेडल VSM, और 2016 में इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया था ABSM, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों VSM और AVSM से सम्मानित किए जा चुके हैं, जो अभी हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के क्या बने हैं, चीफ बने हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निकाय ने LDC से किस देश के स्नातक की सिफारिश किया। दोस्तों स्नातक की सिफारिश करने का मतलब है कि अब वो देश किसमें नहीं आ रहा है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं आ रहा है। हाल ही में देखा जाए जैसे बांग्लादेश ने भी हाल ही में पिछले 2018 से लेकर 2020 तक देखा जाए, अगर COVID-19 के समय को हटा दिया जाए, तो 2018 से लेकर अभी तक बांग्लादेश ने अपनी पर कैपिटा इनकम को काफी बढ़ाया है, और उनकी जो ह्यूमन वेल्थ है यानी मानवीय जो संपत्ति है उसको भी उन्होंने काफी कुछ बढ़ाया है। और दूसरा पर्यावरण के संबंध में इन्होंने बहुत काम किया है, और बांग्लादेश ने कॉटन फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर में आते हैं, उनको हटाकर उनके परिवार वालों को नौकरी दी। इस तरीके से उन्होंने मानवीय सहायताएं भी की हैं। तो इस तरीके से अभी हाल ही में आपका यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, जिसको UDP भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जो कमिटी है, यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, इस पॉलिसी द्वारा ही क्या किया गया था, इसी पॉलिसी के तहत ही, जिसको आप यूडीपी भी कहते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर पॉलिसी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपके जो यूडीपी है, यूडीपी द्वारा सन 2018 में भी सिफारिश की गई थी कि बांग्लादेश को क्या किया जाए, बांग्लादेश को यूडीपी ने सिफारिश की थी कि बांग्लादेश को दोस्तों किससे बाहर निकाला जाए, बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से क्या किया जाए, बाहर किया जाए। LDC का मतलब दोस्तों क्या होता है, LDC का मतलब लोअर डिविजन क्लर्क नहीं होता है, LDC का मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि दुनिया के अल्प विकसित देश। इनको दोस्तों हम लोग दुनिया का चौथा विश्व भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दुनिया में अर्थशास्त्र के आधार पर चार विश्व होते हैं। एक विश्व होता है दोस्तों डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो पूरी तरीके से डेवलपमेंट पा चुकी है। एक विश्व होता है दोस्तों दुनिया की डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज, जो सेकेंड वर्ल्ड है। द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, दुनिया की डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, जिनके पास 213 है। दुनिया का तीसरा विश्व है जिसके पास डेवलपिंग कंट्रीज है, केवल डेवलपिंग है, तेल नहीं है। और दुनिया की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जिनको हम LDC कहते हैं, ये दुनिया के चौथे विश्व में आती है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी ने, जो कि UDP ने सिफारिश की थी 2018 में भी, और 2021 में एक बार फिर से सिफारिश की है कि बांग्लादेश को दोस्तों LDC से स्नातक किया जाए, और इसको LDC के देशों से क्या किया जाए, बाहर किया जाए। कारण क्या है, कारण है क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक 2018 से लेकर 2020 तक इन्होंने अपनी पहले तो प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, और इसके साथ साथ ह्यूमन वेल्थ यानी मानवीय संपत्ति के क्षेत्र में इन्होंने बढ़ चढ़ के दोस्तों क्या किया है, काम किया है। तो इस तरीके से जो मानदंड होते हैं यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी के, जो मानदंड है कि आपको क्यों LDC से बाहर किया जाए, या आपको क्यों लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से बाहर करके आपको अच्छा देश बनाया जाए, तो उनके मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। तो ये मानदंड पूरे किए हैं किसने, ये मानदंड दोस्तों पूरे किए हैं बांग्लादेश ने, पिछले 3 सालों से लगातार ये मानदंड पूरे कर रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसी प्रकार से बांग्लादेश तो है ही है, बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार के लिए भी सिफारिश की गई है, और दोस्तों आपका लाओ PDR के लिए भी सिफारिश की गई है। तो लाओ PDR और आपके म्यांमार के लिए भी सिफारिश हुई है कि इन लोगों को भी LDC के क्षेत्र से क्या किया जाए दोस्तों, LDC के श्रेणी से बाहर किया जाए।
अगर भारत के आसपास अगर एलडीसी की बात करेंगे तो नेपाल भूटान आपके क्या है एलडीसी में आते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों अमेरिका का, भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अमेरिका का एकमात्र देश है जो कि एलडीसी में आता है, वो दोस्तों हैती है। हैती लैटिन अमेरिकन कंट्री है और ये आपके एलडीसी में आता है। ठीक है, क्लियर है सभी का? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बांग्लादेश को बाहर करने की मांग की गई है, इसके साथ साथ म्यांमार को भी बाहर करने की मांग की गई है और लाओ पीडीआर को भी एलडीसी के क्षेत्र से बाहर करने की मांग यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी ने करी है, क्योंकि उनका कहना यह है कि पिछले दो साल से ये तीनों देश क्या कर रहे हैं, ये तीनों देश दोस्तों अपने मानदंड को पूरा कर रहे हैं जो मानदंड इनके लिए लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को किस देश में, मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला हाई कमिश्नर बनाया गया है, यानी कि उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपके मनप्रीत बोहरा जी हैं अभी तक तो ये क्या है, अभी तक तो ये मैक्सिको यानी कि नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको यानी कि नॉर्थ अमेरिका में ये मैक्सिको के क्या है दोस्तों ब्रांड मैक्सिको के में भारत के एम्बेसडर है, भारत के राजदूत है, अभी तक तो ये थे एम्बेसडर है और अभी इनको मैक्सिको के एम्बेसडर के पद से हटाकर इनको ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों हाई कमिश्नर नियुक्त किया जा रहा है। तो अभी तक ये आपके मैक्सिको में एम्बेसडर थे इंडिया के, अब ये क्या बनेंगे, मुख्य उच्चायुक्त बनेंगे, हाई कमिश्नर बनेंगे कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ की ओर से, भारत की ओर से। तो ये भारत का रिप्रेजेंटेशन एज ए हाई कमिश्नर कहां पर करने वाले हैं दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में करने वाले हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है? ये उस समय उस कंडीशन में हो रहा है दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा होगा अभी हाल ही में आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संबंध काफी अच्छे हुए हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में बहुत सारी पहल की है एपेक में। अगर दोस्तों एपेक की बात करेंगे, अगर एपेक की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको दोस्तों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं, यानी कि आर्थिक सहयोग के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग के लिए कोऑपरेशन के लिए एपेक का गठन 1989 में किया गया था और ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय दोस्तों सिंगापुर में। ये जो एपेक है दोस्तों इसमें एशिया के वो देश जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में है और उस साइड वाले अमेरिका वाले देश भी है, तो यूएसए भी इसमें आता है। इसमें टोटल 221 मेंबर कंट्रीज हैं जिनमें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने पहल की थी कि दुनिया के जितने भी 21 देश आपके एपेक में आते हैं इनको एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन करना पड़ेगा। एनपीटी क्या है, इसको नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ट्रीटी कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, एनपीटी पर अगर कोई साइन कर देता है कोई भी देश, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर अगर कोई देश साइन कर देता है तो वो देश कभी भी जीवन में क्या नहीं कर सकता, अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स या परमाणु ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से एनपीटी पर साइन करने की पहल की गई है एपेक के देशों के साथ जो कि ऑस्ट्रेलिया ने की है। तो उसी समय वो इंडिया से भी अपने संबंध बढ़ा रहा है और इंडिया का भी एपेक में बहुत सारा, ध्यान रखिएगा एपेक की जो 21 देश है इन 21 देशों में जितना भी पर्यावरण का जो काम है वो इस समय इंडिया को दिया गया है कि एपेक के जो भी एशिया के जितने भी 21 देश आपके इसमें आ रहे हैं, एपेक में आ रहे हैं, उनके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और उनके जो पर्यावरण है, जो उनकी बायोडाइवर्सिटी के इलाके हैं, उनके इकोसिस्टम का जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र की देखभाल करने का काम किसको दिया गया है, इंडिया को। यह हाल ही में 2020 में ही दिया गया था। ठीक है, सभी का क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में किस देश को पहली प्राथमिकता, रक्षा क्षेत्र में किस देश को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है? तो काली मिर्च का सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला एक देश है जिसका नाम है दोस्तों श्रीलंका। हाल ही में भारत सरकार ने हमारे उच्चायुक्त आयोग के माध्यम से यानी हाई कमिश्नर कमीशन के माध्यम से श्रीलंका को बोला है दोस्तों क्या, पहली प्राथमिकता वाला देश। तो पहली प्राथमिकता वाला जो देश भारत ने घोषित किया है किसको किया है, श्रीलंका को घोषित किया है। ये भी तभी हो रहा है दोस्तों जब 2 मार्च को, यानी कि आपका कल के दिन क्या हुआ है, 2 मार्च को श्रीलंका ने अपना 70वां वर्षगांठ बनाई है एयरफोर्स की। तो श्रीलंका की जो 70वीं वर्षगांठ बन रही है उसमें इंडियन प्लेन्स भी जा रहे हैं, श्रीलंकन एयरफोर्स एयरफोर्स डे जो कि दोस्तों 2 तारीख को मनाया गया है, 2 मार्च 2021 को डिक्लेयर किया गया था। तो ये श्रीलंकन एयरफोर्स डे के समय में
भारत ने श्रीलंका से अपने जो संबंध है उनको अच्छा करने के लिए उसको पहला प्राथमिकता वाला देश बनाए घोषित किया है, वो भी किस क्षेत्र में? रक्षा क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 2 मार्च को आपका श्रीलंकन एयरफोर्स जो डे 70वीं वर्षगांठ जिनकी मनाई जा रही है, 70th फॉर्मेशन ईयर मनाया जा रहा है इनका, इसमें हमारे इंडिया के भी, इंडिया के इंडियन एयरफोर्स और नेवी के 23 विमान भी इसमें क्या किए गए थे, शामिल किए गए। तो इन्होंने भी वहां पर उड़ान भरी है और उनके जो मार्च पास थी उसमें आपका हमारे 23 जो प्लेन्स हैं उनको भी क्या किया गया था, शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मनाया अपना 9वां स्थापना दिवस। दोस्तों अगर हम लोग लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, लैंड पोर्ट अथॉरिटी जिसको LPAI भी कहते हैं, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको LPAI भी कहते हैं, इसका गठन दोस्तों 2012 में हुआ था। और 2012 में गठित ये जो LPAI है इसने अभी हाल ही में अपना 9वां स्थापना वर्ष मनाया है, जो कि आपका दोस्तों 1 मार्च को घोषित किया गया। 1 मार्च 2021 को LPAI लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि दोस्तों नई दिल्ली आधारित है, और ध्यान रखिएगा इसका जो गठन हुआ था 2012 में हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने 1 मार्च 2021 को LPAI ने अपना 9th फाउंडेशन डे मनाया है जो कि अभी हाल ही में LPAI द्वारा मनाया गया। ठीक है दोस्तों, LPAI का काम क्या है, ध्यान रखिएगा इनका काम है जो भी बॉर्डर क्षेत्र की जो अवसंरचनाएं हैं या बॉर्डर इलाके की या सीमा क्षेत्र की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी मेंटेनेंस करना, उनका निर्माण करना, उनको रिकंस्ट्रक्शन करना और उनका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट संभालना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जितना भी सीमा क्षेत्र की जितने भी अवसंरचनाएं होती हैं इन अवसंरचनाओं के देखभाल करना, इनकी मेंटेनेंस करना, अपग्रेड करना, इनको रिकंस्ट्रक्शन करना, इनका मैनेजमेंट संभालना, ये सब दोस्तों काम होता है किसका, LPAI का। ध्यान रखिएगा पोर्ट के आगे लैंड लिखा है इसलिए थली क्षेत्र से संबंधित है, और इन्होंने 2012 में बनने के बाद अभी हाल ही में अपना 9th फाउंडेशन डे मनाया। क्लियर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट और आज आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिक एम लॉन्च किया। दोस्तों ध्यान रखिएगा आर्कटिक एम की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा आर्कटिक एम जिसको ARCTIC बोलते हैं, आर्कटिक एम जो ये लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये लॉन्च किया है किसने, ये लॉन्च किया है रशिया ने। अभी हाल ही में इसकी रॉस कॉस्मोस जो रशिया की जो स्पेस कॉर्पोरेशन है, रशियन स्पेस कॉर्पोरेशन का दोस्तों नाम है रॉस कॉस्मोस ने अभी हाल ही में अपनी फर्स्ट ऐसी सैटेलाइट बनाई है जो कि आर्कटिक मिशन के लिए क्या है, जो कि आर्कटिक मिशन के लिए भेजी जा रही है। और ये आर्कटिक मिशन में जब भेजी जाएगी तो भेजी गई है, लॉन्च कर दी गई है। और ये आर्कटिक मिशन के तहत जो उत्तरी ध्रुव, देखिए अंटार्कटिक में तो दुनिया के बहुत सारे अनुसंधान केंद्र लगे हैं, जैसे मैत्री है, जैसे कि हमारा भी दक्षिण गंगोत्री है, तो इस तरीके से इंडिया के भी लगे हुए, लेकिन आर्कटिक का जो क्षेत्र है वहां पर किसी भी देश के द्वारा किसी भी प्रकार के अनुसंधान केंद्र नहीं लगाए जा सकते। तो वहां पर अभी हाल ही में रशिया की रॉस कॉस्मोस जो स्पेस कॉर्पोरेशन है, इस स्पेस कॉर्पोरेशन ने अपने रॉस कॉस्मोस के माध्यम से पहली सैटेलाइट जो कि आर्कटिक मिशन के तहत भेजी गई है, कौन सी दोस्तों, आर्कटिक एम लॉन्च की है। दोस्तों इसको लॉन्च करने के लिए रशिया ने कजाकिस्तान का जो स्पेस सेंटर है, कजाकिस्तान का जो लॉन्चिंग सेंटर है उसको बोलते हैं बाइकोनूर और कॉस्मोड्रोम। तो ध्यान रखिएगा बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम दोस्तों ध्यान रखिएगा बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम जो है ये आपका कजाकिस्तान का स्पेस लॉन्चिंग साइट है, कजाकिस्तान जो कि जस्ट आपके रशिया के नीचे आता है, तो ये रशिया और मंगोलिया के नीचे, तो कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम जो साइट है यहां से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया, जिस रॉकेट से दोस्तों ये लॉन्च किया गया है आपका आर्कटिक एम, जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का नाम है Soyuz 2.1B कैरियर रॉकेट। ध्यान रखिएगा SOYUZ Soyuz 2.1B कैरियर रॉकेट, इस रॉकेट के माध्यम से दोस्तों क्या किया गया है, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है आर्कटिक मिशन के लिए। और ये आर्कटिक में जाकर, आर्कटिक मिशन करेगा क्या दोस्तों, ये आर्कटिक में जाकर जो आर्कटिक क्षेत्र की जो जलवायु है
और वहां का जो पर्यावरण है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है या उसमें कितना चेंजमेंट आ रहा है उसकी निगरानी ये रखिएगा। तो इस तरीके से ये रशिया का पहला ऐसा सेटेलाइट हो गया, ऐसा मिशन हो गया, जो कैसे मिशन के लिए गया है दोस्तों, आर्कटिक मिशन के लिए गया। तो दोस्तों ये है आज की आपकी करंट अफेयर्स, और आज की करंट अफेयर्स इतनी ही होगी। दूसरी करंट अफेयर्स आपकी कल फिर से आपको मंडे 7 बजे मिल जाएगी। तो आप लोग ने मेहनत की जाती है रात में, क्योंकि आपकी क्लास यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है और सुबह आपको पब्लिश की जाती है। तो आप लोग से उम्मीद है कि सभी लोग क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से शेयर करेंगे और क्लास को अच्छा बनाएंगे, ताकि हम इसको अभी और टफ करके इसको 2-3 पार्टों में लेकर आए, जो कि आपके अलग अलग एग्जाम के बेसिस पे हो। तो आज के लिए देख रखते हैं दोस्तों, जय हिंद।